आज के जमाने में हर इंसान को चिंता तनाव स्ट्रेस रहने लगा है। कोई न कोई मानसिक उलझन लगी ही रहती है। लोग बाहर से तो खुश दिखाई देते हैं, बाहर से तो हंसते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते हैं, मन से खुश नहीं होते हैं। एक सर्वे में पता चला है 80% लोग तनाव में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे दुनिया में जो हमेशा खुश रहते हैं, बहुत ही हल्के फुल्के होके जीते हैं। जिसे देखो वही इंसान अपने दिमाग में हजारों टेंशन लेके बैठा है, इंसान स्ट्रेस लेके बैठा है। इन टेंशनों परेशानियों के चलते लोग खुश रहना ही भूल गए हैं, जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। लोग कहते हैं जिंदगी तो ऐसी हो गई है, एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि 10 प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं इन परेशानियों से अच्छा तो मौत आ जाए। लोग जिंदा तो दिखते हैं, इनमें जिंदगी दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं मर नहीं पा रहे हैं इसलिए जिए जा रहे हैं। कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, खुशी ही नहीं है मन में, शांति ही नहीं है, सुकून ही नहीं है। क्यों आपको पता है? ये जो चिंता करते हैं इससे कुछ ठीक नहीं कर पाते हैं। ये चिंता और तनाव आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से बीमार कर देंगे। अगर आप अपने मन की सारी परेशानियों से, अपने मन की अशांति से, अपने मन की उलझनों से, अपने मन के तनाव से, चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं, तो ये 5 बातें आप अपने जीवन में अपना लीजिए। आप हमेशा खुश रहोगे। आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। आजकल के लोग दिन की शुरुआत भाग दौड़ से करते हैं, आजकल लोग दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत ना तो ध्यान से शुरुआत करते हैं, ना योगा प्राणायाम से शुरुआत करते हैं, ना ही प्रभु की प्रार्थना से शुरू करते हैं। यदि आप अपने दिन की शुरुआत तनाव और अशांति के साथ करेंगे तो आपका सारा दिन कैसे शांति से गुजरेगा। इसलिए यदि बहुत जरूरी है आप सुबह को जल्दी उठकर योगा प्राणायाम ध्यान और परमात्मा की प्रार्थना करें। यदि आप अपने दिन की शुरुआत शांति और अच्छी ऊर्जा के साथ करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत सुकून से गुजरेगा। इसलिए सुबह उठते ही आप भाग दौड़ ना मचाएं। आप अपने दिन की शुरुआत तनाव अशांति के साथ ना करें, बल्कि आप अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ करें, ध्यान के साथ करें, योगा अभ्यास के साथ करें, मेडिटेशन के साथ दिन की शुरुआत करें। आप वो काम करो जो आपकी जिंदगी को मकसद दे, पर्पस दे। अपने दिमाग को खाली मत रखो। जो काम आपको खुशी दे उस काम में गजब की ताकत होती है। वो आपको खुशी का एहसास कराता है, वो आपके लक्ष्य पर पहुंचने का एहसास कराता है। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब आप सारे काम छोड़ चिंता में डूब जाते हैं तो चिंता आपको बीमार बना देती है। वही आप अपने चिंताओं को छोड़ अपने आप को किसी काम में लगा देते हैं तो आपके अंदर नई ऊर्जा भरता है। आपको पता है जो इंसान कुछ नहीं करता, आराम करते रहते हैं, वो हमेशा थके रहते हैं, उसके शरीर में हमेशा आलस्य रहता है, वो इंसान मन से उदास रहते हैं, बीमार रहते हैं। जो लोग अपने आप को जीवन में ज्यादा और अपने आप को ज्यादा बिजी रखते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है। जो लोग अपने आप को फ्री रखते हैं उसके मुकाबले जो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसा काम करें जो आपको जीवन जीने का पर्पज दे, लक्ष्य दे और जीवन जीने की खुशी दे, ऐसा काम करें। तीसरी बात, आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं ना, तो आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लें। लोग अपने दिन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसको ऐसे ही गुजार देते हैं। इसलिए लोगों की जिंदगी बिखरी बिखरी सी मिलती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कब क्या काम करना चाहिए, कब कौन सा काम करना चाहिए। अपने दिन को अच्छे से मैनेज करें। हर समय हर काम करना अच्छा नहीं होता, किसी काम को बहुत ज्यादा समय देना भी अच्छा नहीं होता और किसी काम को बहुत कम समय देना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आपका दिन की शुरुआत होने से पहले आप अपने दूसरे दिन का पूरा प्रोग्राम बना लें। आपको
आपका दिन कैसे गुजारना है वो आपके अपने हाथ में है। आप बहुत सारे कामों में मत फंसाइए। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत सारे कामों में फंसा लेता है तब वो अपनी जिंदगी में उलझ जाता है। वो किसी भी चीज को बहुत बैलेंस नहीं कर पाता है, वो किसी भी चीज को संभाल नहीं पाता है और अपनी जिंदगी से भी परेशान हो जाता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि उसके मन में चिंता तनाव आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करना सीखें। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है ये बात आप अच्छी तरह सीख लें। चौथी बात, जब भी आपको तनाव महसूस हो, मन भारी हो, उस टाइम आप 10 मिनट गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। शांति से बैठकर गहरी सांस लें और गहरी छोड़ने का 10 मिनट अभ्यास करें। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत एवं हल्का हो जाएगा। जब भी मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत तनाव हो रहा हो, बहुत चिंताएं हो रही हो, सारे काम छोड़कर आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ने का अभ्यास 10 मिनट अभ्यास करें। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा और आपका मन और एकदम हल्का हल्का हो जाएगा। आप यह अभ्यास जरूर करें। पांचवी बात, आप ना अपनी एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपनी जिंदगी से संबंधित 10 अच्छी बातें लिखिए। बातें रोज लिखनी है, आपको इस चीज पर मेहनत करनी है। आप अपनी जिंदगी से संबंधित बातें ढूंढें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अच्छा देखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हो सकता, आपका सकारात्मक नजरिया नहीं हो सकता। जब आप अपनी जिंदगी में अच्छा देखना, पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं, इससे आपके विचार पॉजिटिव होने लगेंगे। पता है इसका नतीजा क्या निकलता है? आप खुद को थैंकफुल करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। परमात्मा ने आपको जिंदगी में क्या दिया? आपको जिंदगी में इतना दिया है जो आप बहुतों से ज्यादा दिया है। आपको परमात्मा ने आपको जिंदगी में क्या क्या दिया है? आपको जिंदगी में इतना दिया है जो बहुतों को नहीं दिया। हर इंसान को यह है, शिकायत रहती है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमको मिला है, इतना कितनों को नहीं मिला। हर इंसान को ये शिकायत रहती है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमको मिला है, इतना कितनों को नहीं मिला। यदि हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना, मुझे जिंदगी में क्या क्या मिला है, हमारा उस तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। हमें जिंदगी में क्या नहीं मिला। हम इंसान बड़े अजीब होते हैं, जो हमारे पास होता है वो मुझे दिखता नहीं, उसकी कदर भी नहीं होती है। जो हमें मिलता नहीं है हम उसके पीछे तड़पते रहते हैं, जो पास में होता है उसका एहसास ही नहीं होता हमें। आप अपनी डायरी में 10 आपकी अच्छी बातें लिखनी है। जब आप अपनी जिंदगी से जुड़ी 10 अच्छी बातें रोज लिख, आप एहसास होगा कि आपको जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है। उस डायरी को आप हर हफ्ते पूरा पढ़ें तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके पास तो अब जो आपके पास बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके पास तो अब जो आपको कमियां दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे सारी पूरी हो जाएंगी। जो इंसान इन 5 बातों को फॉलो करता है उसको कोई चिंता तनाव स्ट्रेस परेशानी नहीं होती है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता है, बहुत आनंदित रहता है।